ये कुछ लाइनें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। कर लो नज़रअंदाज अपने हिसाब से, कर लो नज़रअंदाज अपने हिसाब से, जब हम करेंगे तो बेहिसाब करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा। आज हम OTG में भिंडी ग्रिल कैसे करें वो देखेंगे। भिंडी हम OTG में ग्रिल करेंगे तो जो सबसे नीचे वाला नॉब है वो टाइमर का है। ये हम प्री हीट करने के लिए टाइमर ऑन कर रहे हैं। उसके लिए हम सारे ट्रेस बाहर निकाल देंगे। और प्री हीट करेंगे। जो इसका फर्स्ट वाला नॉब है वो टेम्परेचर का है, वो हम फुल पे रखेंगे। सेकेंड नॉब जो होता है वो मोड सिलेक्शन के लिए होता है। इसको टोस्ट पे इसीलिए रखना है क्योंकि दोनों ऊपर की और नीचे की रॉड्स जलेंगी जिससे कि ये प्री हीट होगा। ये हमने ऑन कर दिया है 10 मिनट्स के लिए। ये भिंडी जो है हमने हाफ के जी ली है, इसे हम सॉस डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। 1/4 कप ऑफ बेसन है ये। 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल है ये। इसको हम ड्रिजल कर देंगे। वी कैन ऑल्सो यूज सम अदर ऑयल। आप न्यूट्रल फ्लेवर वाला ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। चाट मसाला डालेंगे 1/2 स्पून। ध्यान रहे हमने सॉल्ट भी डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे इसे। ये जो अवन की ट्रे है इसमें हम सिल्वर फॉइल लगाएंगे। जो सिल्वर फॉइल है वो मिनिमम 18 माइक्रॉन्स की होनी चाहिए, बेकिंग के लिए जो काम आती है वही। इस ट्रे को हमें एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना है तो इस साइज का हम इसे कट कर लेते हैं। इसमें जो बहुत शाइनियर वाला साइड है उसको नीचे रखेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे इसे। ऑयल ड्रिजल करेंगे अच्छे से, इसे फैला देंगे। यहाँ पर मैंने जो भिंडी हमने मसाले वाली बना कर रखी थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे ट्रे में। और सिंगल लेयर होनी चाहिए, एक जगह पर एक ही भिंडी होनी चाहिए। हमें वैसे करके सेट करना है पीसेस को, अच्छे से फैला देना है इसे। इससे क्या होगा, इवनली कुक होंगी। अब हम इसे प्री हीटेड अवन में अपने टॉप रैक में रखेंगे और इसका मोड हम ग्रिल पे चेंज करेंगे। अभी टोस्ट पे है, अभी हम इसे ग्रिल पे कर देंगे। इससे जो टॉप रैक का जो रॉड होता है वो जलना स्टार्ट होगा और नीचे वाला यूजलेसली रॉड नहीं जलेगा। और जो टाइमर है वो हम 20 मिनट्स के लिए सेट कर देते हैं। में ये अभी इतनी ही कुक हुई है, इसे हमें पूरे 20 मिनट्स रखना होगा। देखिए इसके ऊपर की रॉड कैसे जल रही थी। अभी 10 मिनट्स और हैं, वी विल सी आफ्टर दैट। आफ्टर 10 मिनट्स तो टोटल 20 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे ये थोड़े से और डार्क करनी है, क्रिस्पी करनी है।
देखिए थोड़ी ब्राउन हो चुकी है ये ऊपर से, लेकिन ये अभी सिर्फ कुक हुई है, जैसे अगर आपको रोटी के साथ खाना है, पराठे के साथ खाना है, तो नाउ यू कैन टेक इट आउट। 2 to 3 minutes के लिए इसे और रख देंगे। ये काफ़ी कुक हो गई हैं और जो साइड्स हैं वो तो ऑलमोस्ट पूरे कुरकुरे हो गए हैं इसके। जो सेंटर्स है उसको थोड़ा और कुरकुरा करने के लिए, देखिए कुक तो हो चुकी है। इसको और क्रिस्पी करना चाहें तो और 5 मिनट्स रखिए तो और क्रिस्पी हो जाएगी। इन कीपिंग फॉर अनदर 2 मिनट्स। दाल और राइस के साथ ये ऐसी कुरकुरी अच्छी सर्व कर सकते हैं आप।